अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को इतिहासकारों ने मुख्यतः दो वर्गों में बांटा है। पहला 1857 का सिपाही विद्रोह और दूसरा 1885 के बाद का स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन इन दोनों ही आंदोलनों से पहले संथाल परगना में अंग्रेजों के विरुद्ध पहाड़िया और घटवालों का एक बड़ा विद्रोह हुआ था, जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। हालांकि इतिहासकारों ने इस आंदोलन को जगह नहीं दिया। यहाँ के पहाड़ियों के बहुत ही अग्रणी भूमिका रही है, क्योंकि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ जो जनजातियों का विद्रोह हुआ वो पहला विद्रोह पहाड़िया घटवाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह दुखद है कि इतिहासकारों ने इस विद्रोह को उपेक्षा की भाव से देखा। आपको बता दें कि संथाल परगना का पहाड़िया समुदाय शुरू से ही स्वतंत्रता प्रेमी रहा है। यही वजह थी कि इस क्षेत्र पर मुगल की शक्तिशाली सेना भी कब्जा नहीं कर पाई। यहां तक कि 1757 में प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने साम्राज्य विस्तार के क्रम में संथाल परगना में अपना पैर जमाना चाहा, लेकिन पहाड़िया और घटवालों ने उसके विरुद्ध बड़ा विद्रोह कर दिया। तिलका मांझी, जगन्नाथ देव और रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में इन विरोधियों ने कैप्टन बुक समेत कई अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेजों ने भी इनके सभी प्रमुख नेताओं समेत कई पहाड़िया सैनिकों को मार गिराया। हिंसा का ये दौर लंबे समय तक चला, लेकिन इन दोनों समुदायों ने हार नहीं मानी। जब अंग्रेजों को लगा कि इन पर जबरन कब्जा करना संभव नहीं है, तब उसने क्लीवलैंड को भेजकर उनके साथ एक संधि कर ली और जंगल की तराई वाला क्षेत्र दामिन ई कोह पर इनका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। 1770 ईस्वी से लगातार 1803 ईस्वी तक इस इलाके को, जिसे जंगल तराई कहते थे, यहाँ के पहाड़िया घटवाल और जो नीचे तबके के सबाल्टर्न लोग थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रभुसत्ता को मानने से साफ इनकार कर दिया था और लगातार अराजकता की स्थिति बनी रही। पहाड़िया लोगों को ही संतुष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने ब्राउन और सिस्टम की व्यवस्था की, लेकिन निर्ममता पूर्वक और क्रूरता के साथ पहाड़िया लोगों को उन्होंने सरेआम जो है सो कत्ल किया। टोकरी में भर करके पहाड़िया लोगों के सिर लाए जाते थे, जैसा कि बिशप हेबर ने लिखा है। जिन समुदायों ने अपने अधिकारियों के लिए अंग्रेजों से हार नहीं मानी, आज वही समुदाय आरक्षण और अलग पहाड़िया लैंड की मांग कर रहे हैं, जिससे कि उनका विकास हो सके। लेकिन आरक्षण का लाभ हमें जो विदेश से आए हुए लोग 1790 में आए हैं, वही लोग फायदा उठा रहे हैं। हम लोग माने जनसंख्या कम होने के नाते हम लोग माने आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए पहाड़िया लैंड संथाल परगना से अलग चाहिए हम लोग के लिए। 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना साम्राज्य विस्तार शुरू किया, तो उसको सबसे बड़ा झटका संथाल परगना में लगा, जहाँ पहाड़िया और घटवालों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर लिया। 30-33 साल तक लंबी लड़ाई के बावजूद जब अंग्रेजों को जीतने में सफलता नहीं मिली, तो उसने क्लीवलैंड को भेजकर इनसे संधि कर ली। वहीं दूसरी तरफ उसने इस क्षेत्र में संथालों को लाकर पहाड़ियों के दुर्गम क्षेत्रों में सड़कें और लाइन बनाकर उन्हें कमजोर करने का भी काम जारी रखा। लेकिन इसके बावजूद 1947 तक, जबकि अंग्रेज यहाँ से भारत छोड़कर चले गए, तब तक उसने कभी भी बीच में इसके क्षेत्र दामिनी कोह में घुसकर उसके साम्राज्य पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया। यह बात दिगर है कि तत्कालीन इतिहासकारों ने इस विद्रोह को बहुत महत्व नहीं दिया और आज इनमें से एक घटक घटवालों को अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, तो दूसरे घटक पहाड़ियों को अनुसूचित जनजाति में रहते हुए भी आरक्षण का पूरा लाभ दूसरे के द्वारा उठा लिए जाने के कारण अपने लिए अलग क्षेत्र बनाकर विशेष आरक्षण के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।